राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती है। केवल वीरों की गाथाएं नहीं बल्कि उनकी इस वसुधरा पर कई प्रेम कहानियां भी हैं, जो आज भी बहुत प्रचलित है। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में होता है। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र सालह कुमार का विवाह बचपन में जांगलू देश यानी बीकानेर के पुंगल नाम के ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। चूंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा देती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आ गया तो वो उसे छोड़कर पहली के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालह कुमार के ख्वाबों में खोई हुई थी। एक दिन उसके सपने में सालह कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे न खाने में रुचि रही और न ही किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर उसे ये गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी। ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश के रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही सालह कुमार चौंक गया और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गाकर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी सुंदर है और उसकी याद में कितने वियोग में हैं। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिरकार सालह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक लेती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिरकार उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदाई ली। कहते हैं रास्ते के रेगिस्तान में उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा सालह कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था।
उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। डोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट की एड़ी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारुवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहां राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, ढोला मारू की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।